अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर जफर तो दाखिल वादी लाई कोट पूरे मैदान से अब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए। दोस्तों, वादी लाई कोट में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। आप ये सैलाबी मंजर हमारी वीडियो स्क्रीन पर बराए रास्त देख सकते हैं। लोगों को बेघर कर दिया, घरें तबाह, रास्ते तबाह, रोडें तबाह, सब कुछ तबाह कर दिया सैलाब ने, सब कुछ मिलिया मेट कर दिया। आप ये सैलाबी मनाज़र हमारी वीडियो स्क्रीन पर बराए रास्त देख सकते हैं। दोस्तों, दिन दिन की अपडेट हम नहीं दे सके क्योंकि यहाँ पर नेट और सिग्नल न होने की वजह से दो दिन, बिल्कुल तीन दिन से रबते मनकता थे। आज बदलते जो सिग्नल है उनका प्रॉब्लम बहाल हुआ है और हल्के हल्के सिग्नल जो है वो आ रहे हैं। हमने कहा चलो अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से ये अपडेट शेयर करते रहें। सब कुछ तबाह कर दिया इस सैलाब ने। यहाँ पर 15 से 20 घरों पर मुश्तमिल जो आबादी थी उनको सैलाब ने सब कुछ मिलिया मेट कर दिया, तबाह कर दिया है। रास्ते तबाह, रोडें तबाह, लोगों को बेघर कर दिया। ये मनाजिर हमारी वीडियो स्क्रीन पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। दोस्तों, रोडें तबाह हो चुकी हैं, लोग पहाड़ों के से होते हुए अपने घरों की तरफ रवा दवा हैं और ये मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 घर जो थे उनका नाम व निशान नहीं रहा, सब कुछ तबाह कर दिया है सैलाब ने। तबाही मचाई हुई है सैलाब ने यहाँ पर। दोस्तों, अल्लाह का बड़ा करम ये हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और माली नुकसान लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों के घर तबाह, लोगों की फसलें तबाह, सब कुछ बर्बाद हो गया सैलाब की वजह से। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए।